Hi investors and traders, welcome back to the channel, and I hope you're enjoying the trades that I'm filtering out for you. I have given you Sirma, right? You have noticed that how beautifully it has moved. Aaj bhi isne aapko 5% tak ka move diya hai. Uske baad ek stock hai Ritco jo maine aapko diya hua hai, hold kariye because long term positional breakout hua hai to long term aapko isme acha gain milega. I have given a IRFC एक महीने पहले दिया था दिवाली के समय पे, आज उसमें ब्रेकआउट आया है। तो ब्रेकआउट में कभी कभी जब लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है तो याद रखिए लॉन्ग आपको कंसोलिडेशन, जितना ज्यादा लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना बेटर ब्रेकआउट मिलेगा। तो टेंशन की बात नहीं है, अगर फंडामेंटल स्टॉक के अच्छे नहीं है तभी आपको चिंता करने की जरूरत है। आपको मैं ले जाना चाहती हूँ मेरे ट्विटर के प्रोफाइल पे, आप वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे बहुत गिने चुने स्टॉक्स देती हूँ, मे बी हफ्ते में या दो हफ्ते में एक स्टॉक देती हूँ, बट ऐसा स्टॉक देती हूँ जो आपको आने वाले दिनों में 10, 15, 20, 30% का प्रॉफिट देता ही देता है। मेरा ट्विटर पे जो रिकॉर्ड है वो ऑलमोस्ट लाइक 100% एक्यूरेसी का है। बहुत कम स्टॉक्स बट बेहतरीन स्टॉक्स जिनमें आपका प्रॉफिट होता ही होता है। अगर आपने मुझे ट्विटर पे नहीं ज्वाइन किया है तो सामने आप देख सकते हैं @seemajain2017, और सबसे पहले आपको दिख जाएगा ATGL जो मैंने आपको दिया था April 5, 2021 में। नो, आई हैव गिवन दिस ऑन February 1, 2021 में, और आपको विद इन 3-4 months इट हैज ऑलमोस्ट मेड योर कैपिटल 3 or 4 times। इसी तरह आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे मैंने टीटागढ़ पे आपको दिया था, या रेलटेल दिया था आपको 8 नवंबर को, बाय दिया था 257 ने, आज स्टॉक ने 300 क्रॉस किया है। इसी तरह टीटागढ़ दिया है, और टीटागढ़ दिया था मैंने आपको बाय के लिए 866, और आज इसने 1066 के टारगेट्स को भी क्रॉस किया था। आप लोग ये लिखते हैं, मैं जब भी कुछ शेयर करती हूँ कि अब क्यों नहीं देती हूँ, मैं देती हूँ लगातार आप लोगों को स्टॉक्स देती हूँ, बट आपको भी प्रेजेंट होना पड़ेगा ना जिन प्लेटफॉर्म्स पे मैं देती हूँ, जैसे ट्विटर है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, दीज आर द 3 प्लेटफॉर्म्स वेयर आई गिव ट्रेड, एंड सम ऑफ यू आर राइटिंग आई डोंट हैव टेलीग्राम, सो डाउनलोड कर लो भाई, इतनी बड़ी कौन सी बात है, एक ऐप डाउनलोड कर लो, अगर आपको पैसा बनाना हो इतना तो कर सकते हो आप लोग, है ना। मैं आपके लिए रिसर्च कर रही हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर रही हूँ, और आप एक ऐप भी डाउनलोड नहीं करना चाह रहे हो, कोई फालतू की ऐप निकाल दो, कोई इंस्टा वगैरह जैसी कोई फालतू की ऐप निकाल दो, और एक काम की ऐप रख लो जहां पे आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। एनीवे, चॉइसेस आप बनाते हैं और आप ही उसका फल पाते हैं, मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको डाउनलोड नहीं करनी है तो ट्विटर पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे देखिए ना वीडियो आके, वहां पे आपको बहुत बेहतरीन रिसर्च मिलेगी। एनीवे, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज, राइट। अगर आपको याद हो मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी अबाउट नेटवेब, आई सेड नेटवेब इज हैविंग अ पार्टनरशिप विद एनविडिया। एनविडिया इज द ओनली chip making company which makes cards for gaming industry, one of the biggest manufacturer of gaming cards, Nvidia ke sath unhone tie up kiya tha, aur I think stock ne last 2 ya 3 din mein kam se kam 15 se 20% ka return de diya. Okay, important news jo main aapke sath share kar rahi hu, pehli news hai ki Tata Motors subsidiary partners with Bharat Petroleum for the establishment of 7000 EV charging stations. Dono ko fayda hoga, Bharat Petroleum ko bhi और टाटा मोटर्स को भी। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो मेरे पास, जीएमआर रेजेस ₹3000 करोड़ फॉर भोगापुरम एयरपोर्ट। आपने अगर नोटिस किया हो तो जीएमआर इंफ्रा सैटरडे फ्राइडे को चला था, अपर सर्किट में लॉक था, और आज भी ऑलमोस्ट इसने बहुत जबरदस्त मूवमेंट दिया है, इट वॉज अबाउट टू बी लॉक्ड इन द अपर सर्किट। सो रिमेंबर दैट वॉट मूव्स अ स्टॉक, इट्स जस्ट अ न्यूज, राइट। गुड न्यूज, बैड न्यूज, जो भी न्यूज होती है उससे आपके स्टॉक में मूवमेंट आता है। फिर है सुब्रोस एम्बर एंटरप्राइजेस गेन अप टू 17% एज गवर्नमेंट मेक्स एयर कंडीशन ट्रक केबिन्स मैंडेटरी। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है, जितने भी हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो भारत के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रक लेके जाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, जितने भी ट्रक्स हैं वो सारे के सारे एयर कंडीशन होंगे। Both ways it's going to work. ये drivers के लिए, उनके सब, उनके जो cleaners होते हैं उनके लिए एक बहुत positive news है, और हमारी industry के लिए भी एक बहुत positive news है।
Some more important news that I want to share with you. Tata Group planning rupees 40,000 crore semiconductor unit in Assam. And ye kahan se news aayi hai? Meri news nahi hai. Wahan ke CM Himanta Biswa Sarma ne ye news ko share kiya hai. Uske baad, the Reserve Bank of India keeps the key leading rate unchanged. This is fine. Then Genesis International showcases the future of automotive navigation maps. This is again a very positive news. Aap jaake check kariye Genesis International ka stock. It has moved almost like 10% today. Uske baad, Coforge recognized among India's best workplace in IT for year 23. Top 100, second time in a row. So this is also a positive news for Coforge. Aur uske baad, jo next news hai, wo ye ki two investors likely to get on board for SpiceJet. टोटल फंड इन्फ्यूजन लाइकली टू बी 1500 करोड़. सो ये डूबती हुई कंपनी को एक बहुत बड़ा सहारा है. आपने देखा होगा स्पाइस जेट ऑन फ्राइडे वाज लॉक्ड इन अपर सर्किट एंड इट वाज डूइंग फेयरली वेल टुडे एज वेल. ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो लोग जोमैटो में इन्वेस्टेड है उनके लिए कि सॉफ्ट बैंक एफिलियट सेल्स 3.9.36 करोड़ शेयर्स इन जोमैटो. उसके बाद आता है मिर्जा इंटरनेशनल लॉन्चेस अ न्यू ब्रांड विच इज थॉमस क्रिक. And last that I want to share with you is Marine Electric India Limited informed in the exchange filing that the company has secured 20.25 crore excluding GST order from Tresson Projects and Services Private Limited. Jaake is stock ko bhi check karega. It has given a gap up opening and sustained the gap up opening. So ye important news thi. Aap in sabko track kar sakte hain. अगर आपको ये जानना है कि इनके लिंक्स कहाँ अवेलेबल है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे सारी न्यूज की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है. अगर आपको ये नहीं पता है मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक क्या है, यू कैन गो टू माय इंस्टा. वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मेरी टीम से बात कर सकते हैं. अब आ जाते हैं बात पे कि आज मार्केट में क्या हुआ और ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे है. सबसे पहले बात करेंगे कि निफ्टी की और बैंक निफ्टी की. सो मार्केट बंद हो चुका है. निफ्टी ने आज भी स्लाइट गैप अप ओपनिंग दी, बिल्कुल लाइक स्लाइट गैप अप ओपनिंग दी एंड निफ्टी कुड नॉट मैनेज टू क्लोज अबव 21,000. अगर निफ्टी 21,000 क्लोज होती है कुछ दिन के लिए सस्टेन करती है देन 21,500 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे. अभी एक स्ट्रगल जारी है बट मुझे लगता है कि स्टांस पॉजिटिव ही है. अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है. निफ्टी बैंक ने आज गैप अप ओपनिंग दी, अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया है और 47,585 को टच करके बैंक निफ्टी नीचे आई है. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हैमर दैट हैज बीन फॉर्म, यू नो, ऊपर से प्राइस रिजेक्शन. सेलर्स आर एक्टिव एट द हायर लेवल्स. अगर हम इसको थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ देखिए आप, हालांकि जिस मोमेंटम से बैंक निफ्टी गिरी थी वो मोमेंटम डाई आउट हो गया, मतलब थोड़े समय बाद वो मोमेंटम कंप्लीटली डाई आउट हो गया. बट ये जो कैंडल बनी है जो कि 10:30 बजे बनी है ओपन इक्वल टू हाई कैंडल, इस कैंडल का हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है. हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी के स्टार्स को स्टडी करते हैं फ्रॉम इट्स ऑप्शन चेन. तो मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा रखा है. I'll just refresh it and then we will understand how and where Bank Nifty stands. So, ये Bank Nifty की chain, option chain आपके सामने लगी हुई है. What I would like to do is कि मैं 5 out of the money लेती हूँ और 5 ही in the money call option लेती हूँ और उसको add करके देखते हैं. इसी तरह हम 5 out of the money options लेते हैं on the put side. So, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हम लेते हैं और 5 in the money लेते हैं और इसको ऐड करके देखते हैं कि कितना आता है. अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो 3 lakhs कॉन्ट्रैक्ट हुए ऐड हुए हैं ऑन द कॉल साइड. पुट साइड में 2.1 lakh कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं. इसका सिंपल सा मतलब यही मुझे समझ में आता है कि देयर इज लिटिल यू नो फियर इन बैंक निफ्टी. ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेस है. बैंक निफ्टी हो सकता है कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन देके और थोड़ा और नीचे आ जाए और 47,000 के आसपास तक आ जाए. अगर 47,000 के नीचे आता है तो देयर विल बी मोर सेलिंग दैट कैन बी सीन. तो एज ऑफ नाउ मुझे बैंक निफ्टी को देख के यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस है. बट एनीवे दैट्स दैट. बट
ऑल सेड एंड डन, मार्केट चाहे जैसा भी हो, देर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, देर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉर बाय साइड ट्रेड. एंड आई एम बींग बुल एंड आई ऑलवेज बिलीव इन द स्टोरी कॉल्ड इंडिया, आई विल ऑलवेज बी ऑन द बाय साइड. तो मैंने आप लोगों के लिए इस वीक के लिए 3 FNO के स्टॉक्स निकाले. अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आपको पता होगा मैंने स्टॉक दिया था जिंदल स्टील, 700 के ऊपर बाय दिया था. आज इसने 716 के ऊपर का भी हाई लगाया, एम्फेसिस दिया था आपको, आज बहुत ब्यूटीफुल मूव कर रहा है. रिलायंस दिया था आपको, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. आज लाइव मार्केट में हमने पॉलीकैब दिया था और पॉलीकैब की कॉल ऑप्शन दी थी 145 पे बाय के लिए. आई थिंक इट वेंट अबव 200 समथिंग. आई वॉन्ट टू शो द स्टॉक्स दैट आर ऑन माई रडार फॉर दिस वीक. तो पहला स्टॉक है टाटा केमिकल्स. एज इट इज आई टोल्ड यू दैट केमिकल सेक्टर इज बॉटम डाउन, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1031 के ऊपर. दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है, इसको मैंने आज लाइव मार्केट में भी दिया था, बट ये एक हायर लेवल्स को टेस्ट करके नीचे आ गया है. सो दूसरा स्टॉक जो है मेरे रडार पे वो है PVR INOX. इसको हम 1800 के ऊपर लेंगे, एक राउंड फिगर है, उसके ऊपर ही बाइंग इज गोइंग टू बी मच बेटर. तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है पेट्रोनेट LNG. जिस पेट्रोनेट LNG ने एक बहुत शार्प सेलिंग आई थी, उसके बाद इसने बॉटम बनाया और फिर वहां से थोड़ी रिकवरी आ रही है. अब अगर ये स्टॉक 215 के ऊपर जाता है तो आपको 220, 225, 230, 230 तक के आपको इसमें टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. आई थिंक 3 स्टॉक्स काफी हैं आपके रडार के लिए, और आप इन स्टॉक्स को रडार पे रखिए और अपने कमेंट्स लिखिए नीचे, आपको मेरा काम कैसा लगता है, डू यू बेनिफिट फ्रॉम आवर रिसर्च, आर यू बीइंग एबल टू मेक मनी. ऑल्दो पीछे जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों ने मोर देन 650 कमेंट्स किए हैं. आई एम सो हैप्पी टू नो दैट यू ऑल आर मेकिंग मनी. एटलीस्ट 600 लोग तो बना रहे हैं. मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर 600 लोग कमेंट लिख रहे हैं तो अनदर कम से कम 3000 पीपल मस्ट बी मेकिंग मनी, बट दे आर शाइंग अवे फ्रॉम राइटिंग द कमेंट. कमेंट लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, मैं थोड़ा और बेटर काम करूंगी आपके लिए, बेटर रिसर्च करूंगी, बेटर स्टॉक्स निकालूंगी, पूरा जान लगा दूंगी ताकि आपके पैसे बने, राइट. जितने भी स्टॉक्स मैं आपको देती हूँ, मैं उनमें से किसी में भी ट्रेड नहीं कर सकती हूँ, बीइंग अ रजिस्टर्ड एनालिस्ट. तो मुझे, मैं जो भी करती हूँ वो सब आपके लिए है. मैं वीडियो बनाती हूँ, वी आर नॉट मोनेटाइज्ड, ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू रीच आउट टू यू एंड टेल दैट दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड, दिस इज वॉट इज गुड, दिस इज वॉट इज यू शुड अवॉइड. मैं सुबह लाइव आती हूँ इसीलिए कि आप लोगों का पैसा बने, शाम को वीडियो बनाती हूँ रिसर्च करके आप लोगों का पैसा बने. तो एक कमेंट तो बनता है, एक थम्स अप बनता है, शेयर बनता है, एंड आई एम हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ जॉइनिंग लाइव फॉर लाइव ट्रेडिंग. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड आई वांट टू सी यू ऑल इन द लाइव ट्रेडिंग. 20,000 व्यूज है, 20-25,000, एटलीस्ट 10,000 पीपल मस्ट जॉइन द लाइव ट्रेडिंग. यू विल गो बैक बेनिफिटिंग फ्रॉम आवर रिसर्च, दिस इज आवर प्रॉमिस. Take care. See you tomorrow in the live market.